नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यहाँ पे हम फाइनेंस, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडी और एजुकेशनल वीडियो लाएंगे और कथनी और करनी में जो होने वाला फर्क है उसको जीरो करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। जो हमारा आज का वीडियो है वो NSDL पेमेंट बैंक का जो आपका NSDL पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो BC जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं उनमें जो होने वाला डिफरेंस है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें आपका जो हम जो चार्ट बनाए हैं वो NSDL, फिनो और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कैटेगराइज किए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में हमने कंपेयर किया है कि कस्टमर को क्या चार्ज देना पड़ता है अगर वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है NSDL में, फिनो में या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। अभी जो इनिशियल फंडिंग है या फिर अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो अमाउंट पे किया जाता है NSDL पेमेंट बैंक में 300 प्लस GST है, यानी GST 18% लगता है, 354 रुपये, और सूप सेविंग अकाउंट में 400 रुपये और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इनिशियल 100 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है। इसमें NSDL पेमेंट में 100 रुपये में आपको एक कार्ड मिलेगा, एक टीनी कार्ड मिलेगा, और NSDL GP ऐप पे आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। उसमें आप नेफ्ट, RTGS, किसी को भी इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अगर हम बात करें एनुअल सब्सक्रिप्शन का, तो NSDL पेमेंट के बैंक का एनुअल सब्सक्रिप्शन जीरो है, मीन्स आपको एनुअली कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है, जबकि फिनो में आपको 500 रुपया 1 अगस्त 2021 से आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज एनुअली पे करना है, जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको 100 रुपया एनुअली सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, जबकि ये चीज़ NSDL पेमेंट बैंक में जीरो है, वन टाइम केवल आपको 300 रुपया देना है। अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट के लिए, जो कस्टमर को कैश डिपॉजिट के लिए पैसा देना पड़ता है वो आपका एक ट्रांजेक्शन फ्री है, और उसके और जबकि फिनो में वो लिमिटेशन है 25,000 रुपये तक फ्री है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वो एक मंथ में 4 बार फ्री है, और जबकि एक के बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन होगा जो उसमें आपको 5 रुपये या फिर 5.5% जो भी अधिक होगा वो चार्ज लगेगा, यानी 200 रुपये पे 1 रुपये कैश डिपॉजिट लगेगा, 1,000 पे 5 रुपये, और 10,000 पे भी आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। सेम आपका फिनो में भी सेम है, 5 रुपये या फिर 0.5% में जो भी अधिकतम हो वो देना पड़ेगा, यानी 1,000 रुपये पे 5 रुपया और 10,000 रुपये पे 5 रुपये आपको देना है कैश डिपॉजिट करने पे। और इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पहले फर्स्ट चार ट्रांजेक्शन के बाद 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको सर्विस चार्ज देना है। और हम बात करें कैश विड्रॉल की, कैश विड्रॉल में इसमें सभी कैश विड्रॉल चार्जेबल है, जिसमें पहले आपको 5% या 5% डिपॉजिट वैल्यू या तो 5 रुपया अधिकतम 5 रुपया या फिर 5% जो भी उसमें अधिकतम है वो चार्ज लगेगा, यानी 200 रुपये पे 1 रुपया, 1,000 रुपये पे 0.5% करेंगे 5 रुपये, 10,000 पे भी 0.5 करेंगे तो 5 रुपये ही मैक्सिमम चार्ज लगेगा। यही सेम ही है कि आपको 25,000 रुपये तक कैश विड्रॉल फ्री है, उसके बाद सेम चार्ज फिनो पेमेंट बैंक भी लगता है। इसमें आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या है कि पहले चार ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगता है। अगर अब हम बात करें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट की, NSDL में 4% का आपको चार्ज लगेगा, सॉरी 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेविंग अकाउंट में, जो भी अकाउंट आपके पैसे में जमा रहेगा उसमें 4% एनुअली आपको इंटरेस्ट आएगा, जबकि फिनो में इस कोविड के टाइम पे घट गया है, 2.75 है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी आपका 2.75 क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम बात करें पर कस्टमर लिमिटेशन की, कैश डिपॉजिट वो आप पर एक पर ट्रांजेक्शन मतलब एक बार में आप 50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं, महीने भर में 5 बार डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर बात करें कैश विड्रॉल की, तो उसमें आप एक बार में अधिकतम 10,000 का कैश विड्रॉल कर सकते हैं और महीने भर में 3 बार कर सकते हैं। और यही बात करें कि यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक में इसको 25,000 रुपये से लिमिट किया गया है, और
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उसको 10,000 रुपये से लिमिट किया गया है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें जो एटीएम कार्ड है उसकी चार्ज और लिमिटेशन की बात करें, तो एनएसडीएल में जो फिजिकल वर्चुअल कार्ड आपका फ्री है आपके फिनो पेमेंट बैंक में, और एनएसडीएल नहीं, फिनो पेमेंट में वर्चुअल कार्ड नहीं है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक में वर्चुअल कार्ड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वर्चुअल कार्ड है वो जो कि 25 रुपये लगता है, और जो फिजिकल कार्ड है वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक में 354 रुपये पर ईयर है, फिनो पेमेंट में 399 रुपये पर ईयर है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट में फिजिकल कार्ड नहीं है। सेल्फ एटीएम मशीन में आप अगर पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम अदर बैंक के एटीएम में पैसे विड्रॉल करते हैं एटीएम से, एटीएम कार्ड से, तो एनएसडीएल में मेट्रो सिटी में 3 फ्री है, जो कि एज पर आरपीआई सभी मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन एटीएम कार्ड से फ्री है। अदर देन मेट्रो सिटी आपका 5 ट्रांजेक्शन फ्री है रूरल और रिमोट एरिया में, आपके जो भी एटीएम मशीन है, चाहे व्हाइट लेवल हो, टाटा इंडिकेस का हो, हिटैची का हो, इंडिया वन का हो, या फिर किसी बैंक का हो, वहाँ पे आपको चाहे एनएसडीएल का एटीएम हो, चाहे फिनो का एटीएम हो, वहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम, उससे 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। अगर हम बात करें एडिशनल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, मतलब 5 के अलावा करते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये प्लस जीएसटी है, वो आपका तीनों में इक्वल है लगभग। फाइनेंशियल में इसमें एनएसडीएल में 20 रुपये प्लस जीएसटी है, फिनो में 20 रुपये प्लस जीएसटी है, और एनए पोस्ट में भी 20 रुपये प्लस जीएसटी है। वहीं सेम आपका का नॉन फाइनल बैलेंस इंक्वायरी करने पे 8 रुपये प्लस जीएसटी, और फिनो में भी 8 रुपये प्लस जीएसटी, और आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट में भी 8 रुपये प्लस जीएसटी है बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट के लिए। मैक्सिमम एटीएम विड्रॉल पर डे आपका जो एनएसडीएल में वो 20,000 है पर डे, और आपका फिनो में 10,000 पर डे है, और आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वो 25,000 रुपये पर डे है। आप एक दिन में एटीएम से इतना पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनएसडीएल पेमेंट बैंक की अकाउंट मेंटेनेंस एंड अदर सर्विसेज के बारे में, तो एसएमएस चार्ज एनएसडीएल में 0 है, फिनो में 5 रुपये पर मंथ है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी फ्री है। अकाउंट क्लोजर में एनएसडीएल में 100 रुपये लगता है, फिनो में 200 रुपये लगता है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट में 250 रुपये लगता है। पासबुक एनएसडीएल पेमेंट में इन फ्यूचर आएगा, फिनो पेमेंट में पेमेंट बैंक में पासबुक आ गया है, इसमें महीने में एक प्रिंट फ्री है, उसके बाद आप जब भी पासबुक प्रिंट कराएंगे उसमें 10 रुपये का चार्ज लगेगा, इसमें डिफाइन नहीं किया गया है पासबुक के बारे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट में बैंक अकाउंट में रिमिटेंस चार्जेस के बारे में, मतलब नेफ्ट आरटीजीएस में चार्ज लगने वाला है, वो आपका एनएसडीएल में सिर्फ आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं, तो नेफ्ट में इनवर्ट्स मतलब एनएसडीएल टू एनएसडीएल नेफ्ट और करते हैं, और तो आपका फ्री है। मीन्स आप नेफ्ट चाहे एनएसडीएल के अकाउंट में करें, चाहे अदर किसी बैंक के अकाउंट में करें, वो एनएसडीएल में बिल्कुल फ्री है, जबकि फिनो में वो चार्जेबल है और नियर पोस्ट में नहीं है, प्लस जीएसटी लगेगा, बट यहाँ पे टोटली फ्री है। और आरटीजीएस की बात करें, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक 30 रुपए प्लस जीएसटी है फिनो एनएसडीएल में, और 5 लाख प्लस पे आपका 55 रुपए प्लस जीएसटी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक में, जबकि फिनो पेमेंट बैंक में आरटीजीएस नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, और आपका इंडिया पोस्ट में भी आरटीजीएस की फैसिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें आईएमपीएस की, आईएमपीएस आपका एनएसडीएल टू एनएसडीएल फ्री है, अगर अदर देन एनएसडीएल पीसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपका 10,000 रुपये तक पे 2.5 रुपये प्लस जीएसटी है, और अदर किसी बैंक में 10,000 से लेकर के 1 लाख पर 5 रुपये प्लस जीएसटी है, और आपका 1 लाख से 2 लाख रुपए तक 15 रुपये प्लस जीएसटी है। अगर हम बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, फिनो पेमेंट बैंक में आपको केवल आईएमपीएस अलाउड है सिर्फ 25,000 रुपये तक, और 25,000 रुपये तक पे 7.5 रुपये लगेगा। और यही बात करें आईएमपीएस की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो उसमें 5,000 रुपये पे 5 रुपया, और 5,000 से ऊपर पे 10 रुपये लगता है। अगर हम बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई का ऑप्शन
इसमें अभी आने वाला है, देन नेक्स्ट डील में आने वाला है, और फिनो पेमेंट बैंक में आपको फ्री है, अप टू 10,000 रुपये तक UPI फ्री है, इसमें इसमें अभी नहीं है। और हम बात करें AEPS की, अभी AEPS आने वाला है NS डील में, और फिनो में 10,000 रुपये तक AEPS फ्री है, और इसमें भी फ्री है। बेनिफिशरी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 रुपया चार्ज पड़ेगा NS डील में, और आपका फिनो में 4 रुपये पड़ेगा, इसमें डिफाइन नहीं है। तो आशा है आप जो हमने कंपेयर किया NSDL पेमेंट बैंक के रेमिटेंस चार्जेस के बारे में और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में और पेमेंट बैंक के ATM के चार्जेस के बारे में और लिमिटेशन के बारे में और पेमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट और कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के बारे में जो हमने अच्छे से कंपेयर किया NSDL, फिनो और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो प्लीज़ ज्वाइन अस टू इम्पावर आवर रूरल एंड रिमोट एरिया विथ डिजिटल मार्केटिंग एंड कैश फॉर टाटा इंडिकेस ATM। प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस मोबाइल नंबर फॉर NSDL पेमेंट बैंक BC। Please contact this mobile number. For you can also WhatsApp on this mobile number. So please like and subscribe my channel for my next video. जो NSDL पेमेंट बैंक और टाटा इंडिकेस ATM का जो मेजर फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो हमारा इलिटरेट फार्मर्स हैं जो AEPS के द्वारा बायोमेट्रिक के द्वारा पैसे निकालते हैं जो कि बैंक्स में जाकर के फॉर्म वगैरह नहीं भर सकते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पेन नहीं चला सकते हैं, फिर भी वो AEPS के माध्यम NSDL बैंक की मिनी ब्रांच पे जाकर के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं जो उसमें काम करते हैं उसमें पढ़े लिखे नहीं, वो भी AEPS के माध्यम से NSDL पेमेंट बैंक BC में पैसे निकाल सकते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर्स मजदूर हैं वो भी NSDL पेमेंट बैंक के मिनी ब्रांच में AEPS के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं या इंडिकेस के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।